नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी। सैंडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करंट ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। दोस्तों ये जो मैं आपको पार्ट दिखा रहा हूं, ये राष्ट्रपति भवन के सामने का सीन है। ये कैनाल का एरिया है, यहां पे अभी फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी फास्ट मोड में फिनिशिंग का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये फुटपाथ के बगल में जो आप पेड़ लगे हुए जो जिस एरिया में, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उस एरिया को भी काफ़ी प्लेन कर दिया गया है और वहाँ पे अब दोस्तों ग्रास लगाई जाएगी। ये देख सकते हैं पूरी घिसाई की मशीन है, इन सब से घिसाई की जा रही है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कहीं कहीं किसी एरिया में आपको पानी नज़र आएगा। ये वाइट वाइट सा जो देख रहे हैं, ये बेसिकली घिसाई का वो जो पाउडर सा निकलता है पत्थर को घिसने के बाद, वो वैसा ही कुछ पाउडर नज़र आ रहा है। बेसिकली गंदगी नहीं है, गंदगी ही है लेकिन पत्थर की गंदगी है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये फुट ओवर ब्रिज का है सीन, यहाँ पे भी काम बहुत फास्ट मोड में चल रहा है और मैं सोचता हूँ कि अगले वीक मैं आपको दिखाऊंगा तो उसका काम कंप्लीट हो चुका होगा और यहाँ पे फिनिशिंग का काम चल रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, एमिरेट्स का एरिया भी देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगल बगल पेड़ जो लगे हैं, यहाँ पे काफ़ी पहले मट्टी जमी थी उसको भी प्लेन कर दिया गया, अब यहाँ पर अब ग्रास लगाई जाएगी और कहीं कहीं पे पेड़ भी लगाया जाएगा। पाइप वगैरह का काम दोस्तों और सीवर लाइन का काम भी यहाँ पे बहुत फास्ट मोड में हुआ है और कई जगह पे इन्होंने मट्टी प्लेन कर दी है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी तकरीबन हो चुका है इस एरिया में। दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसा ब्रिज दिखाऊंगा, फुट ओवर ब्रिज दिखाऊंगा आपको, जो बेसिकली आर्मी वगैरह के इसमें ज़्यादा आपको नज़र आएगा। ये देखिए ये जो ब्रिज है, जैसे ये आर्मी वाले बनाते हैं वैसा ही ये कुछ ब्रिज है। ये देखिए बेसिकली क्या है दोस्तों कि इस एरिया में अभी आर्मी ने अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, तो ये देखिए ये एक फुट ओवर ब्रिज बनाया हुआ है। ये देखिए ये पूरा एकदम उसी स्टाइल में है, या बेसिकली आर्मी ने ही बनाया है इसको, फुट ओवर ब्रिज है, एक टेम्प्रोरी ब्रिज बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ का जो एरिया है ये पूरा प्लेन कर दिया गया है, सीवर लाइन डल चुकी है, इलेक्ट्रिकल का काम जो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा एरिया ये प्लेन किया जा रहा है और कुछ एरिया में पत्थर रखे हुए हैं जो इंस्टॉल करने हैं फुटपाथ वगैरह पे, तो ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। इस एरिया को पूरा प्लेन कर दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट वीक में जब आऊँगा तो ये आपको पूरा प्लेन नज़र आएगा। अच्छा ये मैं दिखा रहा था, इस एरिया में ये एक फुटपाथ बनाया जा रहा है और ये भी काफ़ी फास्ट मोड में बनाया गया है, पूरा स्लैब इसका पूरा तैयार कर दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो ये भी बहुत अच्छा हिसाब किताब का रखा है इन्होंने, ये आम जनता इस पर शाम को इवनिंग में इस पर वॉक कर सकती है कैनाल के अगल बगल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस हिसाब से ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर पूरा ग्रास लगा दिया जाएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया दोस्तों कवर अप किया है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, पब्लिक का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। दोस्तों ये एक एमिनिटीज़ का एरिया है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ये बेसिकली एक एमिनिटीज़ का एरिया ही नहीं है बल्कि यहाँ पर जो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल का एक सबस्टेशन भी बनाया हुआ है जो इसी के अंदर है। यहाँ से आप पूरा इस एरिया में, खासकर इस पार्ट में जहाँ जहाँ ये टॉयलेट के एमिनिटीज़ बने हुए हैं, मतलब टॉयलेट बोल सकते हैं अब लेडीज़ जेंट्स के, ये एमिनिटीज़ का जो एरिया बना हुआ है वहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन दिया गया है, जहाँ से यहाँ पर जितने भी जो लाइटिंग वगैरह है
प्लस जो फवारा जिसे बोलते हैं फाउंटेन का जो एरिया है उसमें जो लाइटिंग वगैरह करेंगे, इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन दिया जाएगा, वो यहीं से सारा उसको मैनेज किया जाएगा। तो दोस्तों अब पिछली लास्ट वीडियो में जो मैंने दिखाया था और अब मैं और उस वक्त काफ़ी अंतर आ गया है। यहाँ पे अब एमिनिटीज़ का काम भी बहुत फास्ट मोड में चल रहा है। थोड़ा क्लोज करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। टोटल काम इस एरिया में दोस्तों कम से कम अभी 15 से 20 दिन और लगेंगे, ये बन जाएगा। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में एमिनिटीज़ का एरिया भी ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया इसको प्लेन कर दिया गया है। इस दोस्तों फुटओवर ब्रिज के इस तरफ का जो एरिया जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं और फुटपाथ के फुटओवर ब्रिज और फुटपाथ के जो बीच में जो एरिया पड़ रहा है, यहाँ पे भी अब इसको काफ़ी प्लेन कर दिया गया है। अब यहाँ पे ग्रास लगाई जाएगी और आप फ्लावर्स वगैरह जो है वो लगाया जाएगा। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको कम से कम अभी 15 से 20 दिन लगेंगे अभी। और तो मैं सोचता हूँ उस वक्त ये काम काफ़ी फास्ट मोड में रहेगा और काम हो जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है 26 जनवरी तक दोस्तों काफ़ी हद तक काम आपको नज़र आएगा, मतलब 15 से 20 दिन में आपको, नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में आपको ये अधिकतर काम आपको नज़र आएगा। इनफैक्ट कई जगह पे दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आप बहुत कुछ देखेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। रीज़न बीइंग की वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, इसीलिए मैं कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों इस एरिया में देख सकते हैं कि आप काफ़ी फास्ट मोड में काम हुआ है और आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी नेक्स्ट वीक, उसमें मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम हुआ है। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।